हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और हमारा आज का वीडियो जो है वो कैट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक बात मेरी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के वीडियो में हम पूरा कंसंट्रेट करेंगे LRDI वाले सेक्शन पे, क्योंकि यही वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी रहती है। ठीक है, तो आज हम वो सब बातें करेंगे कि आपको क्या क्या गलतफहमी रहती हैं, और आप चेक कीजिएगा कि कहीं जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनमें कहीं आप तो नहीं हो, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको LRDI में परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली टू टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि LRDI बहुत ही ईजी सेक्शन है, ठीक, और एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि LRDI बहुत ही डिफ़िकल्ट सेक्शन है। दोनों ही केस जो हैं वो घातक होते हैं कैट के लिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इजी समझ रहे हो तो भी आप गलतफहमी का शिकार हो, और अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा टफ होता है तो भी आप गलतफहमी का शिकार हो, है ना। इवन इसको प्रूफ करने के लिए मैंने अपने वेबसाइट पे कम्युनिटी सेक्शन में, ये यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में एक वो सर्वे पुट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके कैट के LRDI सेक्शन में कितने परसेंटाइल आएंगे। 5 ऑप्शंस थे, एक था 97 to 100, फिर 95 to 97, 90 to 95, 85 to 90 एंड बिलो 85। तो इसमें भी आप कम्युनिटी सेक्शन जाके चेक कर लेना, दो ही कैटेगरी में आपको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। एक वो कैटेगरी है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हमारे 97 to 100 परसेंटाइल आएंगे, और एक वो कैटेगरी जिसमें स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमारे बिलो 85 परसेंटाइल आएंगे, है ना। और ये मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि मैं पिछले अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस बताऊं तो उसमें इसी टाइप के दो बच्चों की थिंकिंग रहती है, या तो एक्सट्रीम हाई सोच लेते हैं या एक्सट्रीम लो सोच लेते हैं, है ना। वो मिडिल में सोचते ही नहीं है और बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है ना। तो अगर आप नॉर्मल सोचोगे तो हो सकता है आप 100 परसेंटाइल भी ले आओ। आगे इन सब पे बात करेंगे कि 100 परसेंटाइल लेवल पे क्या तैयारी चाहिए रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप अपने आप को दोनों कंडीशन में मत रखना, है ना। तैयारी 100 परसेंटाइल लायक करो, लेकिन ये मत सोचो कि 100 आ ही जाएंगे, और ये भी मत सोचो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो हम तो इसमें 85 भी नहीं ला पाएंगे। अगर आपने समझदारी से पेपर दिया तो आपके आराम से 95+ परसेंटाइल आ सकते हैं, है ना। तरीके मैं बताऊंगा, और आगे मैंने कंपेयर भी किया हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स का LR में कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आता है। ठीक, तो अब पहले कैटेगरी की बात करें, हु थिंक्स इट इज़ वेरी ईजी। नॉर्मली क्या होता है, जो भी बच्चे इस टाइप के होते हैं जो सोचते हैं LRDI का सेक्शन बहुत ईजी है, उन्होंने क्या होता है नॉर्मल बुक्स से थोड़ी सी, अब बुक्स के नाम तो मैं ले नहीं सकता वीडियो पे, लेकिन हाँ नॉर्मल बुक्स से वो कुछ सेट्स लगा लेते हैं, उनको लगता है यार ये तो बन रहा है, तो उनको सोचने लगते हैं वो कि LRDI का सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। 2-4 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन क्या लगा लिए, या डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन क्या कर लिए, उनको लगने लगता है कि कैट की LRDI उनसे आराम से बन जाएगी, है ना। नॉर्मली क्लास भी कभी कोई ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं सर LRDI में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, LRDI में तो हमारे आराम से अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, और फाइनली जब कैट का रिजल्ट आता है तो सबसे कम परसेंटाइल उन्हीं के LRDI में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा लाइट में ले लेते हैं, ठीक, या गलतफहमी उनकी तब भी दूर हो जाती है जब मॉक टेस्ट सीरीज़ देना चालू करते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की दें। नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट का LRDI अच्छे लेवल का ही होता है, लेकिन हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूट LRDI के सेक्शन लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा टफ कर देते हैं, इतना ज़्यादा टफ तो कैट में भी नहीं आता, है ना। तो उनको एक बैलेंस लेके मॉक बनाने चाहिए जैसा कि कैट का लेवल रहता है। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगे या बहुत ज़्यादा टफ बना देंगे, दोनों ही केस खतरनाक हैं। ठीक, अब दूसरा, हु थिंक्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये कैटेगरी में जितने भी एस्पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी घातक है। पूछो क्यों, क्योंकि इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं, जो इजी सेट भी होता है उनको भी ये नहीं करते, है ना। इनका क्योंकि बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है कि LRDI तो हमसे बनेगा ही नहीं। अब बनेगा ही नहीं के चक्कर में क्या होता है, जो बनने वाली चीज़ें होती हैं वो भी ये लोग नहीं करते। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, आप दोनों कैटेगरी में से किसी में भी हो, अगर आपको लगता है LRDI बहुत ईजी होता है तो भी आप गलत हो, और अगर आपको लगता है कि LRDI बहुत टफ होता है तो भी आप गलत हो। ठीक है, मेन चीज़ LRDI के सेक्शन में एक है कि इसको किया कैसे जाए, है ना। तो ये कैट एनालिसिस पे अभी बाद में आएंगे, हाउ टू प्रिपेयर पे अभी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को।
नॉर्मली हमारा जो LRDI का वीडियो कोर्स हमने जो इस साल लॉन्च किया है वो इसीलिए किया है कि लोग उसमें हमारे वीडियो सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मेन उसमें वही है कि हमने उसमें तरीका सिखाया है कि करना कैसे है। ठीक, अब वीडियो कोर्स में भी या नॉर्मल जो हमारी ऑफलाइन क्लास भी होती है उसमें भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब हम लोग बच्चे को शीट देते हैं LRDI की, है ना, नॉर्मली शीट देते हैं घर से सॉल्व करके लाने को और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो नॉर्मली बच्चे पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, 100% क्वेश्चन वो कर लेते हैं। फिर वो यही बोलते हैं, सर शीट तो बहुत ईजी है, कैट में इतना ईजी कहाँ आएगा, है ना, या शीट बहुत ईजी है कैट में तो हम लोग फोड़ देंगे, LRDI में 99-100% आएंगे। लेकिन यही तो मेन चीज़ है, शीट आपको भले ही ईजी लग रही हो, चाहे किसी भी आप मटेरियल भी सॉल्व करो ईजी लग रहा हो, मेन LRDI के सेक्शन में एक चीज़ मेरी दिमाग खोल के सुन लो, LRDI में मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम लिमिट में करना। आपको जैसे कैट में 32 क्वेश्चंस आते हैं या 8 सेट्स बोल दो, ये 8 सेट्स जो होते हैं ये आपको टाइम लिमिट में करना है, ये मेन चीज़ है। तो जैसा कि हमारे वीडियो कोर्स का भी थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ, जैसे कई बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, हमसे तो पूरे बन रहे हैं, कैट में क्या इतना ही ईजी आएगा या इजी टू मीडियम आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको एक वैसे ही शीट दी दूसरी और उसमें मैंने टाइम लिमिट कर दी। अब जैसे ही टाइम लिमिट की तो वही क्वेश्चन जो उनसे पहले पूरे हो रहे थे अब वो 50% हो गया, या कई बच्चों का तो लेस देन 50% था। तो सभी को मेरा मेन एक पॉइंट समझाने का यही है कि LRDI में परसेंटाइल लाना, देखो 32 क्वेश्चंस आपसे पूरे बन जाएंगे कैट के, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें वो जो 1 आवर दिया है उसने, उस 1 आवर में हम कितने कर पाते हैं। तो LRDI के सेक्शन में टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पर्टिकुलर टाइम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स कर पाओ वो मेन चीज़ है, तब जाके आपके 100% के आसपास जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की, है ना। अब ध्यान से समझो, अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि LRDI बहुत ईजी है, तो उनकी गलत फहमी इस चार्ट से मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखो कैट में आते हैं 32 क्वेश्चंस, है ना, LRDI के, है ना। कई लोगों को तो लगता है वो 32 में से मोर देन 25 आराम से कर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो कैट 2017 में 99% आया 45 मार्क्स पे, 45 मार्क्स का मतलब है 15 क्वेश्चंस करेक्ट, है ना। अब देखो 15 क्वेश्चन में 99% आ रहा है, तो अगर आपको कोई गलत फहमी होगी कि LRDI बहुत इजी है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि 15 क्वेश्चन करके 99% आ रहे हैं, मतलब इतना इजी नहीं होगा कि 15 क्वेश्चन में ही 99 आ जाए। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के जो मैंने बच्चे बताए थे ना, इसमें क्या, जो बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं वो हमारे परसेंटाइल भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, तो उनसे जो बनता है वो भी नहीं कर पाते, तो उनका स्कोर वैसे ही कम होता है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि कम क्वेश्चन करने पे भी ओवरऑल ज़्यादा परसेंटाइल आ जाता है। ठीक, तो दोनों केस बहुत घातक हैं, ना आप LRDI को बहुत ईजी समझो ना बहुत टफ समझो, है ना, ये मैंने आपको चार्ट से भी समझाने की कोशिश की है। वहीं कैट 2017-18 ऑलमोस्ट सेम था लेवल, है ना, 46 में 99% आए, इधर भी अप्रॉक्स 15-16 क्वेश्चन मान लो। कैट 2019 का LRDI एज कम्पेयर टू 2017-18 थोड़ा सा ईजी था, यहाँ पे 99% आया 52 मार्क्स पे, यानी 17 क्वेश्चंस तक गया है, है ना, 17 प्लस क्वेश्चंस पे आपके 99%+ आ गए हैं। क्लियर हुआ, तो ध्यान से देखो आउट ऑफ 32, है ना, अगर आप 20 क्वेश्चन प्लस कर लोगे तब तो आपके 100% आ जाएंगे, तो सोचो कितना मुश्किल होगा, तो इसको इतना आसान मत लो। अब क्या होता है, कैट जो पेपर डिज़ाइन करता है उसमें मेन चीज़ क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को आप समझना। इसमें मेन क्या है, देखो 32 क्वेश्चन है, 8 सेट्स हैं, ये मेरी बात याद रखना, है ना, 8 × हर सेट में 4-4 क्वेश्चन, आपको 2 सेट तो ईजी मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 सेट बहुत ईजी मिलेंगे, है ना, 2 सेट मतलब 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स, है ना, आपको 2 सेट मीडियम मिलेंगे ही मिलेंगे, ये नहीं, ये तो कंफर्म है ना, ये भी जो आप उस 1 घंटे में कर सकते हो, तो इधर भी 8 क्वेश्चन, इधर भी 24 मार्क्स,
अगर दो दो चार सेट कर लिए तो आपके 48 मार्क्स आ गए, है ना। और इधर देखो 48 मार्क्स में तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। अब एक से दो सेट बहुत टफ भी होते हैं, ये जो टफ सेट होते हैं मेन पूरा काम यही बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते कैसे, देखो इनको आपको करना तो है ही नहीं, है ना। मॉक भी जो भी दोगे, मेरी ये सब बातें याद रखना, ये दो सेट आप कभी मत छूना जो देख के ही आपको टफ लगे या बहुत टफ हो। ये क्या होगा, ये आपका टाइम किल करेंगे। अब देखो हैं तो हमारे पास 60 मिनट्स ही ना, है ना। 60 मिनट्स में अगर हमने मान लो 15 to 20 मिनट इन दो सेट में खराब कर दिए, कई बार तो आधे आधे घंटे खराब हो जाते हैं, तो फिर आप कंपटीशन से ही बाहर, क्योंकि बचे हुए आधे घंटे में आप कितने सेट कर पाओगे, है ना। बचे हुए आधे घंटे में आप 16 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, है ना। और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा अगर शुरुआत में ही दो टफ कर लिए। तो LRDI देने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो क्वेश्चन दिखने में टफ लगे उनको देखते से ही छोड़ दो, घर जाके भले ही वो हो जाए उससे कोई सेंस नहीं है। मेरे हमेशा क्या कहा, 60 मिनट्स में होना चाहिए, है ना। अब बचे हुए जो दो सेट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी एक इजी एक मीडियम टफ, इसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टू 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 कन्फर्म है, 6 सेट्स का तो कन्फर्म है। बचे हुए दो सेट अब आपकी किस्मत है, ईजी रहेंगे मीडियम रहेंगे कि टफ रहेंगे। अगर वो ईजी रहे तो उस साल का हम बोल देंगे कैट ईजी आया था, मीडियम रहे तो भी कोई बात नहीं। तो देखो चार सेट अगर हमने अच्छे से कर लिए, चार सेट मतलब 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन अगर हमने अच्छे से कर लिए, और ये जो चार सेट हैं ये हर किसी से बनते हैं, मतलब किसी ने कैट की लो लेवल पे भी तैयारी की हुई हो या मीडियम लेवल पे भी, वो कैट के चार सेट तो कर ही लेगा। अब ये बात अलग है कि घर आके करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करता है, क्योंकि घर आके तो वो 8 सेट भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ना है। जैसा कि अभी आप लोग मटेरियल में हमारे या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में करते होगे, घर में अगर आपने पूरे भी कर लिए तो क्या कर लिया, मेन चीज़ है टाइम लिमिट में करके बताओ, है ना। तो मेरी ये सब बातें याद रखना। LRDI में देखो ज़्यादा कोई ऐसी थ्योरी होती नहीं है, खासतौर से कैट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, है ना। यहाँ पे अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे जिनका थ्योरी से ज़्यादा कोई लेना देना होगा नहीं। तो हमारे वीडियो कोर्स की बात करें तो हमने तो छोटे छोटे से टॉपिक्स में भी आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं, और अभी वो चल रनिंग में ही है, आगे भी हम ट्रिक्स बताते रहेंगे। बाकी आप कहीं और से भी कर रहे हो तो आप मेन चीज़ ध्यान दो, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए LRDI कैसे करते हैं, तभी आप इस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो टारगेट रखना कि चार सेट तो जल्दी जल्दी आप कर ही लो, है ना। और ऑन एन एवरेज अगर आप 15 मिनट्स पर सेट मानो, 15 मिनट्स पर सेट मानो, तो भी आपके 1 घंटे में 4 सेट हो जाएंगे। तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल आप आराम से ला सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या रहेगा, आपको पेपर देने का तरीका मालूम होना चाहिए, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट की करो, है ना। ये मेरी बात याद रखना, ये सब तरीके ही होते हैं जो परसेंटाइल ज़्यादा दिलवाते हैं। अब घर आके तो मान लो आप 6 सेट्स भी कर लो और आप बोलो इस बार की कैट की LRDI इजी थी, या आप में से कई बच्चे जो कैट के प्रीवियस ईयर देखते हैं वो बोलते हैं सर इस बार के कैट में तो बहुत ज़्यादा ईजी LRDI था, हम तो पूरे कर लेते। तो उनसे मेरा कहना है बेटा, पहली बात हो गई 1 घंटे में करना, और दूसरी बात हो गई एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करना, है ना। घर पे बैठ के तो सब अपने आप में राजा होते हैं, है कि नहीं। घर में तो हर कोई समझता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन मेन चीज़ होती है एग्जामिनेशन हॉल में करके बताओ, तो मेन चीज़ है किशन भाई। तो LRDI को ना बहुत हल्के में लेना ना बहुत भारी में लेना, तरीके मेरे सीख लो, इन्हीं तरीकों से आपके परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। अब बाकी अब ये चार्ट डिस्कस किया तो और चीज़ें बता दूँ। 40 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल आए थे कैट 2017 में, 40 मार्क्स पे ही 98 परसेंटाइल आए थे 2018 में, और यहीं 47 मार्क्स पे 2019 में आए थे। 40 मार्क्स का मतलब 13 प्लस क्वेश्चंस, और 47 मार्क्स का मतलब 16 अप्रॉक्स क्वेश्चंस, है ना, प्लस 3 माइनस 1 के हिसाब से। 95 वहीं 35 मार्क्स पे 12 अप्रॉक्स क्वेश्चंस मान लो, 34 में 11 अप्रॉक्स क्वेश्चंस मान लो 2018 में, और 40 मार्क्स पे 2019 में 95 परसेंटाइल आया था, वही 13 प्लस क्वेश्चंस। वही 90 परसेंटाइल ध्यान दो सिर्फ 9 क्वेश्चन करके ही आ जाते हैं कैट 2017 में, जिसने सिर्फ 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे उसी के 90 परसेंटाइल आ गए होंगे। सिमिलरली 10 क्वेश्चन करके सिर्फ 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 32 कैट 2018 में 90 परसेंटाइल आ गए होंगे, और 11 क्वेश्चन अप्रॉक्स करके 90 प्लस परसेंटाइल कैट 2019 में आ गए होंगे। तो आप देखो 90 परसेंटाइल तो बहुत आराम से लाया जा सकता है 9, 10, 11 क्वेश्चन करके ही, तो इसका यह मतलब है कि बहुत टफ होता है, इसको हल्के में मत लेना। लेकिन हाँ, तरीका अगर मेरा करोगे तो ये 95 प्लस आराम से ले आओगे,
मैंने क्या कहा, परसेंटाइल किस टाइप के बच्चे पढ़ाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फोबिया हो जाता है, क्या करते हैं वो इजी सेट भी नहीं करते, तो उन बच्चों के क्या होते हैं, ज़ीरो या ऐसे ही मार्क्स आते हैं, नेगेटिव में भी मार्किंग चले जाती है, या ज़ीरो या एक आध सेट भी कर लिया तो 12 to 15 मार्क्स आते हैं, है ना। तो LRDI में मेन चीज़ है आपको पेपर देना सीखना होगा, है ना। तो हमारे कोर्स में भी हमने बहुत सारे तरीके बताए, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, तब तो बहुत ही अच्छा है। इसके पहले जब IIM इंदौर ने एक बार पेपर बनाया था तो हमारे LRDI में से एक सेट पूरा का पूरा फंसा था, ठीक है। अब किस्मत है इस बार फंसता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे तरीके ध्यान रखना, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, प्लस मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो LRDI के जब आप प्रैक्टिस करो तो मेरी एक पर्सनल सलाह मानो, टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप बिना टाइम लिमिट के करोगे तो आपसे पूरा ही बन जाएगा और आपको लगेगा कि आपको सब आता है, ठीक। अब जितने भी स्टूडेंट्स को हमारे अगर कोर्स परचेस करने तो ये स्क्रीन शॉट लेके वो देख सकते हैं, हमारा मैथ्स का जो वीडियो कोर्स है ना, डिस्क्रिप्शन में हर कोर्स की डिटेल पूरी दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हैं। मैथ्स के वीडियो कोर्स का प्राइस जो है वो 12,000 rupees है, LRDI के वीडियो कोर्स का प्राइस 12,000 rupees है, और हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है कैट की, जिसमें 25 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड होंगे और 30 सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड होंगे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में हमारा जो पार्टनर है वो टेस्ट फंड है, क्योंकि इनके परसेंटाइल जजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, इसका प्राइस है 2,600 rupees, और हमारे वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक रहेगी। अगर आप मैथ्स और LRDI दोनों का वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो इसका प्राइस 24,000 रहेगा, लेकिन दोनों परचेस करेंगे तो प्राइस 22,000 rupees है। और अगर आप इसके साथ में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी परचेस करेंगे कैट की, है ना, तो टोटल कम्बाइंड प्राइस है 24,000 rupees, ठीक है। ये ऑफर में अभी चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल किसी में कोई डिस्काउंट नहीं है। इंडिविजुअल मतलब अगर आपको मैथ्स का इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो उसका प्राइस 12,000 ही रहेगा, LRDI का भी 12 एंड फुल लेंथ का 2,600, है ना। इसमें इंडिविजुअल कोई भी डिस्काउंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसके एक्सेस करने की पूरी मेथड पता चल जाएगी, है ना। आप अपने जीमेल आईडी से ही हमारे कोर्स एक्सेस कर पाओगे, है ना। अब कैसे ये मिलेगा मैं आपको बता दूं, है ना। मैथ्स के वीडियो कोर्स में आप मान के चलो 125 प्लस वीडियोज़ हैं, और LRDI अभी बन ही रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हमने वीडियो प्रोवाइड करना चालू किए थे, पर वीक 2 to 3 वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मोर देन 40 वीडियोज़ तो अभी तक इसमें हम लोग दे चुके हैं, है ना, और ये अक्टूबर एंड तक आई थिंक चलेगा, तो इसमें भी मान के चलो 80 to 100 वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। अब प्रोसेस क्या है ये मैं बता देता हूँ। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ एनी कोर्स काइंडली सेंड द ट्रांजेक्शन डिटेल्स एट support@thecreatorsworld.com, support@thecreatorsworld.com में आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स भेजिएगा। आप अपनी उसी जीमेल आईडी से भेजिएगा जिससे आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक। ये हमारा वीडियो कोर्स है तो आपको पूरे एक बार में सारे के सारे वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे विद इन 24 आवर्स, तो आप ध्यान रखिएगा आप उसी जीमेल आईडी से हमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स भेजिएगा जिस जीमेल आईडी को आप एक्सेस करवाना चाहते हैं, है ना। आप कोर्स का नाम मेंशन कर दीजिएगा। आफ्टर द पेमेंट कन्फर्मेशन, जैसे ही हमारे पास पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाएगी, हम आपको अपने क्रिएटर्स क्लासरूम के उसमें ऐड कर लेंगे जिसमें आप पूरे वीडियोस एक बार में देख पाओगे। उसमें मेरी सजेशन है जिस सीक्वेंस में हमने वीडियो अपलोड किए उसी सीक्वेंस में देखना, ठीक है, ठीक है। काइंडली रिमेंबर यू कैन एक्सेस द कोर्स ओनली फ्रॉम योर जीमेल आईडी, वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये पेमेंट डिटेल्स है, ये SBI का अकाउंट है, ये उसकी पूरी डिटेल्स है। ये भीम ऐप के थ्रू भी आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हो, या इसकी ID जो है वो है Anshu2206@UPI। गूगल पे की जो ID है वो है Anshu2206@OKSBI। Paytm में ये QR कोड स्कैन करके आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।